ग्राम मटखना में सीओ लालगंज द्वारा सीधे जनता से जुड़कर पुलिस के प्रति विश्वास कायम करने की कोशिश और सरकार के नियमों की दी जानकारी। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर कोतवाली लालगंज के चौकी बरौंधा के अंतर्गत ग्राम मटखना पहाड़ी पर आदिवासी बस्ती में सीओ भान प्रकाश सिंह का आगमन हुआ, जिसमें बेलन बरौधा चौकी व तिलाव चौकी की पुलिस बल भी थी। गांव में पहुंचकर लोगों को आने वाले त्यौहार के सीजन के मद्देनज़र जनता के बीच बैनर पोस्टर के माध्यम से मीटिंग कर नियमों व प्रशासन द्वारा निर्गत आदेशों का अवगत कराया। बाद इसके ग्रामीण जनता को सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-19, संभावित अग्नि क्षति, जुआ, शराब, नशा मुक्ति और डग्गा मार ओवरलोड वाहनों, अवैध परिवहन से उत्पन्न रोड एक्सीडेंट आदि विषयों पर लोगों को जागरूक किया। सीओ द्वारा इन सब के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। आने वाले त्योहारों में दशहरा, दीपावली, छठ पूजा इत्यादि पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए ताकि बढ़ती हुई महामारी को रोका जा सके। सीओ भानु प्रकाश द्वारा पुलिस की तरफ से संदेश दिया गया कि आप जनता की कोई भी समस्या हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए पुलिस प्रशासन आपके पास आकर तत्काल कार्रवाई करेगी। उत्पीड़न, दुष्कर्म, किसी द्वारा प्रताड़ित किए जाने जैसी समस्याओं का तत्काल निदान किया जाएगा। गरीबों को उसके उपरांत सीओ लालगंज द्वारा खाद्य पदार्थ भी वितरित किया गया। सत्यात्रा न्यूज से मिर्जापुर ब्यूरो चीफ भूप नारायण की रिपोर्ट। सर, आप इस मटखना गांव में आए हैं बैनर पोस्टर लगाकर काफी लोगों को जानकारी देना, इसका क्या उद्देश्य है? जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहारी सीजन शुरू हो गए हो चुका है। गाइडलाइन है प्रशासन की कि हम गांव-गांव में जाके, घर हर कस्बे में जाकर हमारे जो क्षेत्र के निवासी हैं इनकी जन अपेक्षाओं के अनुरूप हम इनकी न सिर्फ समस्याएं सुनेंगे बल्कि जो त्योहारी सीजन में जो देव हमें देव जो छठ पूजा पर्व होगा वो हमारा लास्ट त्यौहार होगा, उस तक जो हमारे शासन प्रशासन द्वारा कोरोना को महामारी को देखते हुए जो उनकी क्षेत्र जो गाइडलाइन है उनको इन तक संप्रेषित करना है। इसके अलावा इनकी जो जन अपेक्षाएं हमारे से प्रशासन से पुलिस से उनको बारे में सुनवाई करना है, इनको जागरूक करना है कि कोरोना से ये कैसे मुक्त होंगे, इनको जागरूक करना है कि अगर इनका किसी भी तरह का कोई भी उत्पीड़न है तो उससे हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए हमारा एक नारा है, हम अपना एक स्लोगन लेके चल रहे हैं जो मैंने खुद ही बनाया है, आपकी पुलिस आपके लिए आपके गाँव में। मैं गाँव गाँव में जा रहा हूँ, लगभग 3-3 बार गाँव में कोरोना महामारी के बीच में हम जाते हैं। हमारा एक काम और रहता है कि जब तक ये अपने को हमसे मित्रवत नहीं समझेंगे, जब तक ये हमारे बीच में हमारे प्रतिष्ठानों के पास आने के बाद संस्थानों में घुसने पे ये अपने को रिलैक्स महसूस नहीं करेंगे, अपने को संजीदगी नहीं महसूस करेंगे, तब तक ये अपनी बात को अपने उद्गारों को हमारे तक नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए मैं अपने पास से इनके बीच में जो प्रसाद रूपी मेरे औकात हैसियत इतनी नहीं है, जो भी है मैं अपनी तरफ से लाता हूँ, बिस्किट वगैरह बांटता हूँ, और भी चीज़ें हैं जो घर गृह उपयोगी खाने पीने की चीज़ें हैं, खाद्य सामग्रियाँ हैं, ये इनको इसलिए देता हूँ, मैं इनका कोई पेट भरने नहीं आया, मैं बहुत छोटा सा कर्मचारी हूँ। दो तीन दिन पहले इस गांव का बिजली कट गया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज मैं आया, इन्होंने देखो, जब अगर मैं इनकी मीटिंग वहीं कर लेता, इसके लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, आप प्रतिबद्ध होना चाहिए, प्रतिबद्धता दिखाई भी देनी चाहिए। मैं इनके बीच में सिर्फ इसलिए आया तो जब तक मैं इसका मैं ये पीस कमेटी की मीटिंग या क्षेत्रीय मीटिंग त्योहार की मीटिंग वहाँ भी कर सकता था, संपर्क में रहेंगे जब तक उनकी बिजली का और जो भी क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण नहीं कराएंगे प्रशासन के साथ मिलकर। अगली बार हो सकता है कि हम SDM साहब को, तहसीलदार साहब को लेके आए, जो इनकी जमीन से संबंधित समस्याएं हैं, 2-3 तरह की समस्याएं जमीन से संबंधित, ट्रैफिक पे जो अवैध इलीगल ट्रैफिक चल रहा है इस समय, जिस तरह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज सुबह ही तिलाऊ हमारा युवा बच्चा तरीके से मारा गया, मैंने लगभग मेरे ख्याल में 70-80 गाड़ियों का पिछले महीने चालान किया था, इसमें 98-99 या 100 भी मैंने इसलिए नहीं कहूँगा तो कुछ के थोड़े बहुत कागज सही थे, वरना ये जो भी ये अवैध परिवहन चल रहा है, डग्गे मार वाहन चल रहा है, अनट्रेंड ड्राइवर चल रहा है जिसका एक पैर नहीं है, वो बस चला रहा है, एक ही पैर से वो क्लिच दबाता है, एक ही पैर से वो गियर ब्रेक लगाता है और
एक्सीलेटर वगैरह पे काम करता है। अगर जब वो सर अच्छा जो घटना सुबह में हुई थी या फिर वो भैंसौर पहाड़ पे गिराएगा, तो हमारे क्षेत्र में कोई इस तरह की इंसिडेंट न हो पाए, हमारा पूरा प्रयास है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है इस चीज के लिए कि हम इन चीजों को नहीं होने दें। आपके आने का मतलब गाँव में है कि गाँव गाँव में जाकर लोगों को जागरूकता देना, और जो आपके प्रसाद रूपी है आप उनको बांट करके संतुष्ट भी कर रहे हैं जितनी क्षमता है। इसके बाद जो है कि जैसे कुछ लोगों का कहना है सर, कल ये लोग तहसील पर भी गए थे कि ये बता रहे हैं कि इनको बिजली विभाग से जानकारी नहीं दी गई, और इसके अतिरिक्त इनके बिजली काट दी गई 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये मने बिल आ गए। और जो बता रहे हैं लोग कि दो दो बत्तियां सिर्फ जलाते हैं, गरीबों के पास पंखे बिजली कूलर सब कुछ नहीं है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे विभाग से? जी अलग चित्र है सर, तो जितने भी हैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिजली विभाग से जो भी समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं हम SDM साहब के माध्यम से, क्योंकि मैं पुलिस सर्विस से हूँ, उनका है, मैं प्रवक्ता भी नहीं, ये काम उनका है, वो बताएंगे। हमने उनकी समस्या, आपकी समस्या, बिजली से संबंधित जो कुछ भी है उनको बता दी गई है। अभी उन्होंने टेक्निकल फॉल्ट बताया है, हो सकता है ये बिल का भी चक्कर हो, किसी के यहाँ लगे नहीं होंगे, कोई बहुत बड़े कारखाने आपके यहाँ नहीं चल रहे हैं, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, न्याय कराएंगे। जो 20-25 हज़ार का जो बड़ी मात्राओं जो भी बिल वगैरह आया है उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। सर जी इसका हम थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं, कल यहाँ की गरीब जनता जो है 20 लोग गए थे और तहसीलदार साहब ने जो है एप्लीकेशन नहीं लिए, बोले कि यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप यहाँ से चले जाओ, इनका एप्लीकेशन भी नहीं लिया। सीमित प्रशासन का मैटर है, इसका जवाब तो वही दे पाए। मैं तो पुलिस सर्विस की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि आगामी त्यौहार में हम सौहार्दपूर्ण तरीके से देश हित ध्यान में रखते हुए, निजी हित ध्यान में रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ का निराकरण करेंगे, खुशहाल तरीके से त्यौहार मनाएंगे।